रहा हूँ कि अब फेसबुक चैनल को फिलहाल कुछ टाइम के लिए रोक दूं और केवल एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे काम करूं। लगातार सामने जो द्रोणागिरी पर्वत है उस पे मस्त सी बर्फ जमी हुई है। चलिए भाई, अभी मैं मौसम की बात ही कर रहा था तो आज मौसम देख लो, आसमान में जगह जगह पूरे बादल छाए हुए हैं। गांव में जब भी कोई कार्यक्रम, कोई मीटिंग हो तो इस प्रकार से आवाज लगाते हैं कि ये आवाज इसलिए लगी क्योंकि वन विभाग की टीम आई है गांव में, शायद कोई प्रशिक्षण होगा। उगते ही बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है, तो सामने की पहाड़ियों पे अभी धूप आ चुकी है। खास बात, आजकल सुबह सुबह आसमान पे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बादल लगे हुए हैं। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है तो तन्ने भी उठ गया भाई, आज ठंडा ज़्यादा हो रहा है इसीलिए वो दस्ताने भी निकाल दिया उसने आज। और बाकी कल ये वाला काम हो गया तो आज कंप्लीट हो जाएगा जो भी होना होगा इधर। पिछले 2-3 दिनों से जो सोमेश्वर महादेव जी की डोली है वो सुवाई गांव में थी, तो कल शाम को विदा हो करके रिंगी गांव की ओर चले गए थे और आज दिन में वो पहुंच जाएगी तपोवन के पार, भंग्यूल गांव है वहां, यानी अपने ध्यान के घर। क्योंकि मैं भी 2 दिन चले गया था मुंडन में, उसके बाद 2 दिन जो सोमेश्वर महादेव जी की देव डोली आई थी उसकी वजह से काम थोड़ा रोका था, तो आज फिर से शुरू हो गया है ये पठाल वाला काम, तो इसको फटाफट से कर लेंगे आज ही। तो बस सूर्यदेव भी प्रकट हो गए हैं, तो हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात, हो गई खूबसूरत दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह होते ही चाचा जी और पापा जी लग गए हैं काम करने पे। ये पठाल मिलाने में बहुत टफ होता है, बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट में एक पठाल ठीक से लग रहा है, क्योंकि पूरी ज़मीन पहले समतल करनी पड़ती है, फिर उसका नाप और गैप बराबर रखना पड़ता है। ये काम तो हो गया है स्टार्ट, लेकिन दुकान में अभी तक सफाई वगैरह नहीं हुई है, तो सुबह सुबह ये भी आ गया भाई दुकान में। छुट्टी आज पता नहीं, कुरकुरे। फटाफट से सफाई कर लेते हैं दुकान में, फिर और काम भी है, तो चलिए भाई ये वाला काम भी हो गया कंप्लीट। बाकी अब नीचे चलते हैं, चौक में ये वाला काम रह गया है। जब भी आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें, उससे वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलता है। और एक खास बात, जब भी मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसमें मतलब बीच बीच में आवाज़ कट कट के आ रही है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रही है। अगर दिक्कत ना हो तो कोई भी काम ऐसे आसान नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत भी होनी चाहिए। मन में 2-3 दिनों से लगातार एक ही सवाल चल रहा है, जो मेरा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल है। सोच रहा हूँ कि अब फेसबुक चैनल को फिलहाल कुछ टाइम के लिए रोक दूँ और केवल एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे काम करूँ लगातार, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। टाइम पे कोई भी वीडियो दोनों जगह अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए अब सोच रहा हूँ कि केवल फिलहाल यूट्यूब पे काम करूं। कमेंट में ज़रूर बताना ये सही है या गलत है। आजकल इस साइड के जो जितने भी शहर थे पूरे खाली हो गया है, और इस टाइम ये वाले शहर पूरे खाली हो जाते हैं, और फिलहाल अप्रैल तक कुछ भी चीज़ इधर नहीं बोएंगे। चलिए भाई, अभी मैं मौसम की बात ही कर रहा था तो आज मौसम देख लो, आसमान में जगह जगह पूरे बादल छाए हुए हैं, क्या पता शाम तक मौसम कुछ करवट बदल दें। नवंबर का महीना है तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता शाम तक बर्फबारी हो जाए। सामने जो द्रोणागिरी पर्वत है उस पे मस्त सी बर्फ जमी हुई है। अधिकांश लोग इस पर्वत को बोलते हैं कि ये नंदा देवी पर्वत है, लेकिन नंदा देवी पर्वत यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। जो सामने जो चोटी दिखाई दे रही है बर्फ से भरी हुई, ये द्रोणागिरी चोटी है। चलिए भाई, जस्ट अभी भैया जी भी आ गए हैं लकड़ी लेकर के, और आज नाश्ता भारी पे हो रहा है, तो नाश्ता टाइम है अभी, तो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में बनी है हरी सब्जी और रोटी। हमें जब भी कोई कार्यक्रम, कोई मीटिंग हो तो इस प्रकार से आवाज़ लगाते हैं, यहाँ देख लो क्या।
ये आवाज़ इसलिए लगी क्योंकि वन विभाग की टीम आई है गांव में, शायद कोई प्रशिक्षण होगा तो वहीं पे जाके पता लगेगा। चलिए भाई, ये वाली मीटिंग भी कंप्लीट हो गई है, यानी ये वन विभाग से लोग आए हैं वन अग्नि सुरक्षा के लिए, क्योंकि पिछले साल जगह जगह जंगलों में आग लगी थी, इसलिए इस साल पहले ही जागरूक कर रहे हैं कि वनों में आग लग जाए तो किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करना है, किस प्रकार से जंगलों को बचाना है। चलिए जी, अब मिट्टी की ढुलान शुरू है, क्योंकि जो इधर से जो नया वाला बना था तो उसमें मिट्टी बहुत कम है, तो इनमें ले जाएंगे मिट्टी। यहाँ से मैंने खुदाई तो कर दी है, बाकी यहाँ से पास करेंगे जहाँ पे बॉबी और बैठे हैं। तो चले जी, शाम के 5 बज रहे हैं और आजकल अंधेरा बहुत जल्दी होने बैठ गया है, और दिन के बाद से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं सीधे अभी उठ रहा हूँ। जस्ट काम तो अभी फाइनल हुआ नहीं है, यानी आधा से ज़्यादा छूट गया है कल के लिए, यानी कल लगभग हो जाएगा कंप्लीट। बाकी कैलाश भाई से मार्केट से मैंने दवाई मंगाई थी तो उसके बाद से थोड़ा रिलैक्स मिला है। अभी सनसेट का टाइम है तो पहाड़े मस्त सी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल रेड रेड सी। कि सुबह से जिस जगह पे भाभी जी और खड़े हैं तो वहाँ से आगे तक पूरे मिट्टी पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा डालना पड़ा है, और अब जाके वो पूरा समतल हो गया है और कल लास्ट काम बच जाएगा, उस पर पठाल भी बिछ जाएंगे। तो चलिए जी, इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी कर देते हैं एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।